हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में रिंगटोन्स वगैरह को आप सेट कैसे कर सकते हैं और रिंगटोन्स को आप कैसे अपने फ़ोन में सेट कर पाएंगे ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे फ़ोन की रैम को इनक्रीज़ कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि आपकी सेटिंग से शो हो रही है। तो आपको इसमें से जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशंस पे। तो साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाते हैं तो क्लिक करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन की रैम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि आप जैसे रिंगटोन्स को सेट करना चाहते हैं तो रिंगटोन सेटिंग्स पे जाना है, और जो भी रिंगटोन्स आप सेट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं इस तरह से डिफरेंट टाइप में आप रिंगटोन्स को सेट कर सकते हैं, और ओके करते ही आपके फ़ोन में रिंगटोन से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की रिंगटोन्स को सेट कर सकते हैं अपने ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में। और साथ में आप चाहें तो नोटिफिकेशंस रिंगटोन्स को भी सेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में कोई भी, और ओके करते ही नोटिफिकेशंस की रिंगटोन्स भी आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी। और आप चाहें तो अलार्म रिंगटोन या साउंड वगैरह को भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने फ़ोन में रिंगटोन्स को सेट कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो